नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। घर पर ही होगी तरावीह, रोजा इफ्तार और नमाज अदा। आगामी त्योहार रमजान महीना में कोविड 19 के लॉकडाउन पार्ट 2 के पालन को लेकर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन और पुलिस ने समझाइश देते हुए दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस थाना परिसर में प्रभारी तहसीलदार सी के तामकार की अध्यक्षता में रमजान महीना में कोविड 19 लॉकडाउन पार्ट 2 के दिशा निर्देशों के पालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रभारी तहसीलदार सी के तामकार और थाना प्रभारी महेंद्र साक्य ने धर्मगुरु और गणमान्य नागरिकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि आपकी प्रथम जिम्मेदारी है कि समाज में सामंजस्य एवं अनुशासन पालन कराकर लॉकडाउन की विधिवत पालन कराया जाए। मस्जिदों में केवल और केवल इमाम के द्वारा ही नमाज अदा कराई जाए। मस्जिद में अजान करने, रोजा इफ्तार और सहरई के लिए माइक से घोषणा और पटाखा फोड़ने की अनुमति दी गई है। 3 लोग घर घर जाकर जगाएंगे। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि वर्षों से नगर की परंपरा है कि सहरई के वक्त लोगों को जगाया जाता है, जो घर घर जाकर लोगों को जगाएंगे, लेकिन लोगों को अपने घरों पर नमाज अदा, रोजा इफ्तारी और तरावीह करनी होगी। उन्हें किसी भी परिस्थिति में सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं होना है। जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उमर मियां लॉकडाउन पार्ट 2 का विधिवत पालन करने का भरोसा देते हुए कहा कि हर परिस्थिति में मुस्लिम समुदाय कानून और दिशा निर्देशों का पालन करेगा। बिना मास्क के घूमने और सड़क पर थूकने पर होगी FIR। थाना प्रभारी महेंद्र साके ने बताया कि बिना मास्क के घूमने और सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करते पाया जाएगा उस पर जुर्माना और प्रकरण दर्ज किया जाएगा। आगे की रिपोर्ट के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। आज थाना प्रभारी के अंतर्गत 25 तारीख से चालू होने वाले पवित्र रमजान के महीने के संबंध में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों को बुलाकर बैठक ली गई, जिसमें शासन की दिशा निर्देश अनुसार लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ में त्यौहार मनाने के दौरान जो पारंपरिक रीति रिवाज रहे हैं उनको लॉकडाउन के दौरान कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया जाए और जो इसमें प्रतिबंध हैं उनकी जानकारी दी गई। वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान समस्त प्रकार के धार्मिक स्थलों पर जनता पब्लिक का जाना प्रतिबंधित है, इसकी जानकारी दी गई, एवं किसी प्रकार की समारोह, दावत आदि का लोगों को इकट्ठा होना ये सब वर्जित है, प्रतिबंधित है, इस सब की जानकारी दी गई, एवं जो इफ्तार की दावत होती है उसमें आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों को ना बुलाकर सिर्फ घर में जो एक ही छत के अंदर हैं लोग वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी उसको मनाएं, जिससे कि कोरोना के बचाव रोकथाम को अपन प्रयासरत जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसको जारी रखते हुए और रमजान का महीना भी लोग अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार मना सकें। मस्जिद में जा सकते हैं, परिस्थितियां जो होगी तो मंदिर मस्जिद सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल बंद रहेगा। सर इतने होता है जैसे आज से पहले भी ऐसे चला है कि सुबह से 4 बजे से आ रहे दूसरे को जगाना रह रहा है, मस्जिद से अलाउ कर दिया, मालूम कर दिया जाता है कि उड़ जाओ। प्रकार की धार्मिक परिस्थितियाँ हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया, अपने मंदिर और मस्जिद को यथावत रखा गया है, वो बंद रहेगी। आम श्रद्धालु और जो भी लोग पूजा पाठ या नमाज के लिए आना चाहते हैं उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो अपने घर पे ही करेंगे और वहाँ सिर्फ इमाम साहब या मौलवी जो भी कर। आज थाना पठारी में रमजान के महीने के अवसर पर पुलिस समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोगों को थाना पर उपस्थित कराकर उनके वरिष्ठ लोगों को एक मीटिंग ली गई। मीटिंग में उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मस्जिद आदि वगैरह में नमाज नहीं होगी, सभी नमाज जो हैं वो घर से अदा करेंगे और रमज़ान में जो रोज़ा इफ्तार की जो होती है परंपरा उसको वो केवल अपने ही घर के मेंबरों के साथ ही उसको मनाएंगे। अदर लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। अनायास तौर पर मस्जिद के पास जाना, वहाँ पर भीड़ एकत्रित करना इस टाइप की ना करेंगे। मस्जिद पे बल व्यवस्था और लगाई गई है। रोज़ा
जो रमजान का महीना है वो अच्छी तरीके से मनाया जा सके, इस तरीके से पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है और पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। और वहाँ सिर्फ इमाम साहब या मौलवी जो भी करता धरता है वहाँ के जिम्मेदार हैं वो करेंगे और मंदिर में पुजारी जाके करेंगे, तो वो परिस्थिति अपने यथावत है। और चूंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति ज्यों के त्यों चल रही है और नियंत्रण के प्रयास शासन के जारी हैं, तो इसमें अपन को दोबारा इसमें अपन किसी प्रकार से परिस्थितियां बदली नहीं है कि त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में अपन कुछ और सोचे। तो शासन की तरफ से यही निर्देश है कि जो लोग हैं नमाज के तौर पर त्यौहार में भी अपने घर में और अपने परिवार में भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करें